तो कोरोना को हराना है तो सबको टीका लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के हालात बता रहे हैं कि सबको टीके का प्लान अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार है और लंबा इंतजार है। भाजपा सरकार के लिए टीकाकरण मात्र एक उत्सव तक ही सीमित रह गया। देश में वैक्सीन की कमी की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई है और अब तक 2,18,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बहरहाल जिन मौतों का आंकड़ा सरकार दे रही है वो भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि गलत आंकड़ों की पोल रोज खुल रही है और शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी कतारें सरकार की लापरवाही दर्शा रही है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया की धीमी गति देश के लिए घातक साबित होने वाली है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में कोविड की दूसरी लहर का पीक मई के मध्य तक आएगा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने अपनी नई रिसर्च के मुताबिक बताया कि एक्टिव केसों के लिए पीक की टाइमिंग 14 से 18 मई है, जबकि 1 मई से 18 साल और अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वैक्सीन की भारी कमी की वजह से टीकाकरण पर रोक लग गई है। नॉनस्टॉप बढ़ते मौतों के आंकड़ों के मद्देनजर भारत में तेज गति से टीकाकरण करने की आवश्यकता है। 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर केंद्र से निशुल्क जन टीकाकरण अभियान शुरू करने का अनुरोध किया है, मगर मोदी सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने देश को मौत के कुएं में ढकेल दिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं, लेकिन भाजपा आंखें बंद कर झूठ बोलने पर लगी हुई है।